कहानियों में नहीं होते हैं, चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं। यस और नो? उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि इस पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई है। अगले दिन पहुंच गया छेनी हथौड़ा लेकर उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। अब इसको क्या बोलेंगे? बड़े बनने के लिए ना पागलपन भी बड़ा होना चाहिए। यस और नो? जिस जिस पे जग हंसा है इतिहास उसी उसी ने रचा है। अपने काम के प्रति पागलपन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जैसे आप और मैं भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, और वो बंदा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, और उसने सपना क्या देखा? मैं हॉलीवुड का सुपरस्टार बनूंगा। सपना देख लिया उसने, और उस सपने के लिए आप सोचो, गरीब बंदा सपना देख रहा है हॉलीवुड का सुपरस्टार, और वो सपना देखने के बाद उसने पागलों की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, दिन रात एक करना स्टार्ट कर दिया, और पागलपन तब बढ़ा जब उसने खुद के नाम का एक चेक काट दिया, $10 million खुद के नाम का चेक काट दिया। बहुत सारे छोटे मोटे रोल उसको मिलने स्टार्ट हुए, लेकिन आफ्टर 5 years उसको एक मूवी हॉलीवुड की ऑफर हुई जिसका नाम है डम्ब एंड डम्बलर। और उस आप हैरानी वाली बात सोचेंगे, उस मूवी के बदले उनको चेक पता कितने का मिला? $10 million। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? जिम कैरी। अपने नाम पे यहां पे सीनियर कहते हैं सपना लिखो, उसके पीछे पागल हो जाओ, और लोग कहते हैं मैं ही दिख रहा हूं आपको पागल होने के लिए। एक गरीब घर की लड़की, इतनी गरीब कि पहनने के लिए कपड़े नहीं थे उसके पास। हम ना रोना रोते रहते हैं, मेरे को ये दिक्कत है। बड़े बनने के लिए ना पागलपन भी बड़ा होना चाहिए। यस और नो? पहनने के लिए उस लड़की इतना भी नहीं था कि वो कपड़े अफोर्ड कर पाती। उसने क्या किया, आलू की बोरी होती ना, आलू की बोरी के कपड़े बनाए, वो पहनती थी। फिर उसने छोटे मोटा काम करना स्टार्ट किया, और घर में बहुत गरीबी थी, तो उसने क्या किया, न्यूज चैनल की उसको जॉब करनी पड़ी, और न्यूज चैनल वालों ने भी उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि वो काबिल नहीं है इस जॉब के। 14 साल की एज में मां बन गई, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सकी। लेकिन उस लड़की का इतना पैशन, दिन रात वो अपने बहुत सारी रिजेक्शन मिली, बहुत सारे ताने मिले, लेकिन उसका पागलपन उसके काम के प्रति उससे 10 times ज्यादा था। और आज उसका नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका नाम है ओपरा विनफ्रे। अमेरिका की अमीर लेडी का खिताब मिला, जिसको एक दिन टीवी चैनल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया था कि तू काबिल नहीं है। उसने 25 साल लगातार एक सुपर हिट शो चलाया, 25 साल, और जिस शो का नाम है द ओपरा विनफ्रे शो। आप बताइए, कहते चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होते हैं, चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं। यस और नो? लेकिन चमत्कार करने के लिए वो पागलपन, वो पैशन, वो दिमाग खराब तो बंदे का चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप इस बात के साथ एग्री हैं? यस और नो? और एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। एक व्यक्ति जिसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो गई, और हॉस्पिटल उसके घर से बहुत ज्यादा दूर था,
रास्ते में एक पहाड़ आता था, लेकिन रास्ता इतना दूर था हॉस्पिटल का कि वो इंसान अपनी वाइफ को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया और देहांत हो गया रास्ते में। उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि इस पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई है। अगले दिन पहुंच गया छेनी हथौड़ा लेकर उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। अब इसको क्या बोलेंगे? देखो आवाज नहीं आ रही है, अब किसको बोलेंगे कि छेनी हथौड़ा लेके पहाड़ को ही तोड़ने के लिए पहुंच गया? हे पहाड़! 22 साल 22 ईयर्स उसने छेनी हथौड़ा लेकर बैठा रहा और पहाड़ को तोड़ दिया उसने। और नाम क्या है उसका? दशरथ मांझी जी। 22 साल, और हम कहते हैं सर मेरे को तो 6 महीने हो गए मेरा कुछ बन नहीं रहा। सर अपन को तो 1 साल हो गए, अपन क्या करे? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड्स दिए इनको, दशरथ मांझी जी, और 55 वो पहाड़ के कटने से 55 किलोमीटर जो रास्ता था ना वो 15 किलोमीटर में तय हुआ। इतना शॉर्ट हो गया, सोच के देखो 40 किलोमीटर शॉर्ट किया एक बंदे ने अपने 22 साल की मेहनत के। इसको क्या बोलेंगे? एक बच्चा जिसका पूरा परिवार साइकिल पे जाता था, चलाने वाले फादर और बैठने वाले 3 बहन भाई, और लोग उसको मजाक कर रहे हैं कि साइकिल को रिक्शा बना रखा है, और वो पागल क्या बोल रहा है? एक दिन ये रिक्शा कार में कन्वर्ट होगा। अपने शहर के सबसे गरीब एरिया में है, घर का फर्श कच्चा है और घर की छत गिर जाती है, और एक दीवार से दूसरी दीवार पे वो कई टाइम लकड़ी रख के चलते हैं, और वो क्या कहता है? मैं अपने शहर के सबसे अमीर एरिया में अपना घर बनाऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं आप? देखो आवाज नहीं आ रही, इसको क्या बोलते हैं? लोग उसको और उसकी फैमिली को इसलिए अपनी शादियों पे नहीं बुलाते कि ये पूरा परिवार साइकिल में आएगा और हमारी इंसल्ट होगी, लेकिन वो क्या, लोग क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता। आप क्या सोचते हैं मैटर वो करता है, यस और नो? और वो बच्चा क्या सोचता है? एक दिन ऐसा करेंगे आप हमें चीफ गेस्ट बुलाएंगे, और वो कोई और नहीं है, वो बंदा आपके सामने खड़ा है। तू बेतरी है या मेरी है, हर कोई बदल से तू खड़ी है, तू बेतरी है या मेरी है, शक है जग हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। जिस पे जग हंसा है, ना संघर्ष ना तकलीफें, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, ये राही था। वो 3 राही थे। कहते यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया को कैसे बना आशियाना, बोली अरे भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, अरे भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। व्यक्ति को लोग अपने घर में गेस्ट भी नहीं बुलाते थे, वो आज यहाँ पे चीफ गेस्ट खड़ा है।
कौन कहता है सिर्फ कहानियों में चमत्कार होते हैं? ध्यान से देखिएगा इस बंदे को, आपको चमत्कार लगेगा। एक दिन हमारे करोड़पति रिलेटिव हमारे घर में रात नहीं रहते थे। पता क्यों नहीं रहते थे? इनके घर में एसी नहीं है, इन्वर्टर नहीं है। हमने भी कसम खाई थी इतना ठंडा करेंगे। इतना ठंडा करेंगे। आप कहोगे थोड़ी कूलिंग कम करिए, क्योंकि अंदर गर्मी बहुत है। क्योंकि गर्मी अंदर बहुत है। क्या है आपके अंदर गर्मी?